कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए ट्वीट के बाद देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। देश में डिटेंशन सेंटर नहीं खोले जाने के दावे के बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी को आरएसएस का प्रधानमंत्री बताया और कहा कि वे भारत माता से झूठ बोलते हैं। राहुल की इस बात का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी एक्सीडेंटल नेता हैं, उन्हें बुद्धि से काम लेना चाहिए। राहुल ने ट्वीट पर एक वीडियो जारी किया और लिखा, आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। राहुल के वीडियो में, जिसमें असम के मारिया गांव के डिटेंशन सेंटर की कहानी बताई गई है, कहा गया है कि पीएम मोदी के दावे के खिलाफ यहां डिटेंशन सेंटर है। डिटेंशन सेंटर का मुद्दा नागरिकता संशोधन कानून बनाने के बाद उठा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार देश में डिटेंशन सेंटर बनवा रही है, जहां उन लोगों को रखा जाएगा जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार ने कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनवाया है, जो है वो पहले के बने हुए हैं। भाजपा ने राहुल गांधी के आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी एक्सीडेंटल नेता है, उन्हें बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनवाया है। असम के जिस डिटेंशन सेंटर की बात कही जा रही है, वो कांग्रेस के समय से बना हुआ है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में आज जो डिटेंशन सेंटर हैं, वो कांग्रेस के बनवाए हुए हैं। राहुल गांधी इससे इनकार कर दें तो मैं अभी पद से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि कांग्रेस के समय से देश में 3 डिटेंशन सेंटर हैं, जिसमें 362 लोगों को रखा गया था। यह राहुल गांधी का झूठ है और उन्हें झूठों का सरदार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।